सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज वापस एक नया प्लेस हम लोग आए आज महाबलेश्वर में, और महाबलेश्वर का बेस्ट रिजॉर्ट लेके आया आपके लिए। इसका नाम है चैम्बर्स 1828 सिट्रस। तो ये काफ़ी बड़ा प्रॉपर्टी है, मैं अभी अंदर हूँ और यहाँ से मार्केट जस्ट 100 मीटर पर स्टार्ट होता है नीचे, तो एकदम डिस्टेंस कम है। आप मार्केट भी यहाँ से क्लोज रहेगा और मार्केट से थोड़ा सा दूर है, तो इसकी वजह से इतना खूबसूरत सा आपको ये रिजॉर्ट मिलने वाला है। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टे करेंगे और यहाँ का मैं रिव्यू करूँगा, अंदर के रूम कैसे रहेंगे, फिर रेट बोलूँगा, फिर यहाँ का फूड का टेस्ट, फिर पूरा रिजॉर्ट हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। हर एक चीज़ हमेशा की तरह इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। चैनल पर नए हो तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिजॉर्ट में एंट्री करती है आपको, अगर आपके पास बैग है तो स्टार्टिंग से गोल्फ वाली ये कार आपको ड्रॉप करती है अगर गेट से आ रहे हो तो। फिर यहाँ पे ये वाला रिसेप्शन है और ये एंट्री पे ही मस्त वाले सब जगह पे फ्लावर्स हैं अलग अलग टाइप के। तो ये रिसेप्शन है, समझ में नहीं आ रहा सब एक जैसा है। तो ये यहाँ का रिसेप्शन और यहाँ पर हम लोग फटाक से जाएंगे, एंट्री करेंगे अंदर रूम के लिए, फिर रूम दिखाऊंगा। और सब जगह पे ना अच्छी तरह से मेंटेन है। अगर ये बाजू जाएंगे हम लोग तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ है, जैसे कि यहाँ पे बड़ा सा चेस है, तो इतना बड़ा चेस आप यहाँ पे खेल सकते हो। ये इतना हेवी है, ऐसा उठा के आपको ये रखना है, तो ये चेस में आपको मज़ा आएगा। फिर ये ऐसे कुछ झूले दिए, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत से एक्टिविटीज़। ये यहाँ पे लूडो, ये बाजू वापस चेज है, यहाँ पे टेबल टेनिस है, फिर ये बाजू और एक छोटा सा स्मॉल घर बना है, ये हाउस है, तो छोटे बच्चे रहेंगे उनके लिए सही रहेगा। और अंदर जाएंगे ना ये हाउस से तो एक बेड भी दिया है, एक सही बनाया है ये छोटा सा हाउस, तो छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ है। फिर यहाँ पे एक जोन बना है जैसे कि स्लाइड की है, तो यहाँ पे भी एक्टिविटीज़ बहुत से है। फिर ये कुछ अलग ही है, ये तो छोटे बच्चे रहेंगे उनके लिए एक बेस्ट पार्ट है वहाँ से यहाँ तक। फिर हर जगह पे जा रहे हैं ना, मस्त ये खूबसूरत सा जैसे गार्डन बना है सब जगह पर, वो सही लग रहा है। तो यहाँ से अगर एंट्री करेंगे ना हम लोग तो ये है यहाँ का रेस्टोरेंट, जो कितना बड़ा लग रहा है, सब जगह पे ऐसे ये बाजू रूम है वो बाजू रूम है। तो ये है यहाँ का रेस्टोरेंट जो खूबसूरत है। फिर रूम के बाहर आपको टेबल्स दिए, जैसे कि नाइट में आपको यहाँ पे बैठना है, ड्रिंक करना है, कुछ भी यहाँ पे आराम से फैमिली के साथ। नाइट व्यू अच्छा रहने वाला, सब जगह पे लाइट्स दिए, तो नाइट व्यू भी मैं दिखाऊंगा, तो कितना मस्त लग रहा है ये। तो अभी दोपहर के 2:30 हुए महाबलेश्वर, इसकी वजह से तो कुछ गर्म हो ही नहीं रहा है और ऊपर से हर जगह पे पेड़ है तो और ठंडा लग रहा है। फिर ये बाजू में जाएंगे, ये मेरा रूम है सामने का, और ये बाजू से जाएंगे तो यहाँ पे है वाटरफॉल एक दिया है यहाँ पे मस्त सीटिंग के लिए, यहाँ पे वाटरफॉल है अभी चालू नहीं है। फिर ये बाजू है बड़ा सा स्विमिंग पूल, ये है जहाँ पे आप फैमिली के साथ धमाल कर सकते हो। बच्चों के लिए एक छोटा सा पूल, बेबी पूल बना है। अगर ये बाजू जाएंगे तो ये बाजू है छोटा सा पूल बेबी के लिए बना है, और शायद यहाँ पे स्पा है, यहाँ पे स्पा भी है, आप वो भी कर सकते हैं, उसके चार्जेस अलग रहेंगे। ऐसे आपको ग्रास, ग्रीन ग्रास, और यहाँ से एंट्री कर रहे हैं और इतना खूबसूरत लग रहा है स्टार्टिंग में। ये देखो सब लाइन से ये वाले रूम में, फिर एंट्री कर रहे हैं तो ये खूबसूरत सा रूम है। अंदर जाते ही आपको एक सोफा लग जाएगा, ये बेड है 2 से 3 जनों के लिए, फिर यहाँ पे चेयर दिया है और एसी, फैन, टीवी, बहुत कुछ चीज़ें एक ही जगह पे, एक ही रूम के अंदर। यहाँ पे टेबल, चेयर, फिर यहाँ पे चेयर दिया है, फिर यहाँ पे है अलमारी जहाँ पे आप रख सकते हैं आपके बैग्स,
और एक चीज रूम की सबसे अच्छी लगी थी, ये तो खूबसूरत है ही, उसी साथ अगर आपको ये पूरे लाइट्स मैनेज करने हैं तो एक ही जगह से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है मिरर लैम्प, बेड लैम्प, तो यहाँ से आप एसी ऑन कर सकते हो, एसी बंद कर सकते हो, सब चीज़ें यहाँ से हो जाएगी। फैन ऑन करना है तो मस्त वाला रूम हमें मिल गया है और आज हम लोग यहाँ पे स्टे करने वाले। बाकी तो पूरा ये रिजॉर्ट एक्सप्लोर करेंगे, वैसे वैसे हर एक चीज़ आपको दिखाने वाला, फिर यहाँ से जाएंगे। तो यहाँ का वॉशरूम है जो अभी लाइट्स बंद है, ये है यहाँ का वॉशरूम और ग्लास के वो बाजू यहाँ पे बाथरूम मिल जाएगा, तो एकदम क्लीन और बड़ा है तो मस्त है। क्योंकि महाबलेश्वर है थोड़े से रेट हर जगह पे हाई रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि आपके पैसे वसूल होने वाले, क्योंकि काफ़ी शांत जगह है। जैसे आओगे तो हर जगह पे यहाँ पे पेड़ दिखाई देते हैं, तो इतनी हम लोग मई में आए तो भी यहाँ पे ठंड लग रही है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ है, जैसे कि ये कार वाली एक्टिविटी है, और यहाँ से अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो कुछ ये वाले पेड रहेंगे, आपको पे करना होता है। फिर यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ है जो फ्री कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे क्रिकेट ये आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे भी कुछ गेम्स दिए, तो ये सही लग रहा है, टर्फ की तरह है। नीचे तो अगर बीच देखोगे तो टर्फ की तरह है ये, तो यहाँ पे आप क्रिकेट खेल सकते हो। और वो बाजू पे छोटे मोटे एक्टिविटीज़ है, तो ये काफ़ी बड़ा है क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ पे। तो पनीर और रोटी, तो अभी इवनिंग का टाइम है, 5 बज गए, तो हम लोगों ने टी मंगाई है, बहुत बारिश हो रही थी, तो फ्राइज भजी और टी आप मेनू से मंगा सकते हो। और एक अच्छी भी चीज़ है कि आप रूम में भी खा सकते हो, तो एक बेस्ट पार्ट है, सभी होटल में अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन आप यहाँ पे रूम में बैठ के खा सकते हो। तो रात के बजे है 8:30 और नाइट व्यू कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे एक्चुअली बारिश गिर रही है, तो अभी भी बारिश गिर रही है, तो नाइट में कुछ इस तरीके से व्यू रहेगा। सब जगह पे तो लाइट्स है ही, तो यहाँ पे हर जगह पे आपको वॉक करने के लिए भी जगह है, तो नाइट में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। पूल में भी लाइट्स है, तो इस तरीके से नाइट व्यू रहेगा सब जगह पे। इस रिजॉर्ट में लाइट्स मस्त दिख रहे और बारिश है, तो ठंड बहुत जोर से लग रही है। तो यही था रिसेप्शन, एक नाइट वाला फटाक से आपको टूर करवाता हूँ किस तरीके से दिखेगा। ये बाजू में भी ये कॉटेजेस है, इसके थोड़े से रेट ज़्यादा रहेंगे। हम लोगों ने डिनर में मंगाया अभी फिलहाल तो वेज फ्राइड राइस, वैसे नॉन वेज भी ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन आज वेज ही खा रहे हैं हम लोग, वर्जिन मोहितो, ये तो हमारे बेबी का है। फिर गुलाब जामुन स्वीट में मंगाया, फिलहाल भूख नहीं है ज़्यादा तो ये वाला मंगाया। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो सुबह के 8:30 हुए, रात को बारिश होने के बाद अभी कितना खूबसूरत लग रहा है, अभी पूरा क्लाउड क्लियर है, तो सुबह सुबह मस्त लग रहा है ये रिजॉर्ट। और यहाँ पे साइकिल भी है, आप साइकिल पे चलना नहीं है तो यहाँ पे चला सकते हैं।
आए मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने के लिए, जो आपके पैकेज में आप इंक्लूड ले सकते हो कि इतना सब कुछ आपको मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में मिलने वाला है। तो बहुत सारे मेनूज रहेंगे, इडली है ये वाला, सांभर, इतनी सारी चटनियाँ,